बोर्ड वॉक की एंट्रेंस। अब यहाँ से हम जा रहे हैं एपकॉट। पहले एक दफ़ा आपको बोर्ड वॉक दिखा चुका हूँ, लेकिन अब हम एपकॉट जाएंगे। तो यहाँ से हम वॉक भी कर सकते हैं, लेकिन बोट आई हुई है तो हम नौवीं भाई बोट में बैठ जाते हैं। वॉक करने से यार 2-4 कैलोरियाँ खर्च हो जाएंगी, क्या ज़रूरत है। ये एपकॉट है डे टाइम में बोट वॉक। हेलो जी, हम एपकॉट आ चुके हैं। अगर आप देख रहे हैं तो दिस इज़ मिकी एंड दिस इज़ मिनी, और मिकी माउस और मिनी माउस नज़र आ रहे हैं मेरे पीछे। लुक एट दिस एंड सो लेट्स गो। अब ये ना एपकॉट के दो हिस्से हैं, इसमें एक हिस्सा जो है वो है फ्रंट का हिस्सा, मैं उधर से नहीं आया हूँ। उसमें राइडें वो मैं दिखाऊँगा बाद में, क्योंकि इतना बड़ा एपकॉट है ये पॉसिबल नहीं है डिज्नी का पार्क कि एक व्लॉग में दिखाया जा सके, वो सारी चीज़ें कट हो जाएंगी फिर। तो इसके हम कम से कम 2-3 चक्कर लगेंगे। तो आज मैं आया हूँ वर्ल्ड पवेलियन। अच्छा, वर्ल्ड पवेलियन ऐसे है कि ये एक झील है दरमियान में गोल, उसके इर्द गिर्द जो है तकरीबन 11 मुल्क हैं जो इन्होंने बनाए हैं। उसमें फ्रांस है, इंग्लैंड है, जर्मनी है, तो 11 मुल्क हैं। वहीं के लोग काम करते हैं, वहीं का खाना होता है और वहाँ की दुकानें होती हैं। तो वन बाय वन करके आपको दिखाता हूँ, तो चलो देखते हैं। तो ये जब हम उतरे हैं तो ये सामने फ्रांस है। अगर आपको पीछे नजर आओ तो ये उन्होंने छोटा सा ईफल टावर भी बनाया हुआ। अच्छा, ये फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान में हम आए हैं, और आजकल फ्लावर एंड गार्डन फेस्टिवल लग रहा है यहाँ पे। तो देखिए उन्होंने फूल लगाने शुरू किए हैं हमें, और ये इंग्लैंड है। चलो सबसे पहले चल के इंग्लैंड देखते हैं। इंग्लैंड में इंग्लैंड जैसी बिल्डिंगें होंगी और वहीं के लोग काम कर रहे होंगे, और एक आध रेस्टोरेंट होगा और एक दुकान होगी। तो ये है जी इंग्लैंड का पोर्शन, वो जो वर्ल्ड पवेलियन में उसमें ये इंग्लैंड है, बरतानिया बनाया गया है। यहाँ पे एक फिश एंड चिप्स की दुकान है, उनका एक बार और रेस्टोरेंट है, और वो जो इंग्लिश कॉटेज होता है ना, वो देखा ना, इंग्लिश टी गार्डन्स प्रेजेंटेड बाय ट्विनिंग्स, वो जो लंदन की चाय है। अच्छा, इंग्लिश टी गार्डन बनाया है ये। तो ये इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में जो जगह हैं मुख्तलिफ, उनके ना रेप्लिकास बनाए गए हैं। ये तो मेरे ख्याल विंडसर के एरिया में। अब ये दुकानें बनाई गई हैं। अब ये वो चाय की ट्विनिंग्स का जो है एक कॉटेज बनाया गया है। तो यहाँ फिर देखिए, ये फिश एंड चिप्स है, ये उनका बार है, वो टेलीफोन का बूथ बनाया है, रोज एंड गार्डन एक रेस्टोरेंट और बार है यहाँ पे। ये सारा इंग्लैंड का रेप्लिका बनाया गया है। एक ट्यूडोर लेन, अब ये ट्यूडोर्स ये किंग थे बरतानिया के। चलो इसके अंदर चलते हैं, ये दुकान है, यहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। इंग्लैंड से ही चीज़ें आई हुई हैं। हाँ, ये तो डिज्नी की अपनी बनी हुई है, लेकिन कुछ चीज़ें इंग्लैंड से हैं। अब ये बिस्कुट इंग्लैंड के होंगे। हाँ, ये इंग्लैंड के बिस्कुट हैं।
अच्छा, ये ट्विनिंग्स चाय वालों का कॉटेज है। ओह, फाउंडर एंड ओनर, ये तो आज मैं पहली दफा देख रहा हूँ। ये देखें, इसका नाम है थॉमस ट्विनिंग। अच्छा, इसने ये चाय बनाई थी ट्विनिंग्स। वाह जी वाह, ये तो आज पता चला, पहली दफा पता चला। तो सब ये ट्विनिंग्स की चाय पड़ी हुई है। ये वो इंग्लैंड के परफ्यूम्स रखे हुए हैं। बैक साइड पे वही गार्डन है। अच्छा, यहाँ पे मुख्तलिफ चाय दिखाई गई हैं, ट्विनिंग्स की चाय। ये है बटरमिंट हर्बल टी, उनको चाय के कपों में ही लगाया गया है। अच्छा, ये देखो ना, ये ऑरेंज एंड सिनेमन जो उसमें है कि वो किन्नू भी लगा दी और सिनेमन भी लगा दिए जो है आपकी, जो चाय जैसे बनी है। पोमेग्रेनेट एंड रेसबेरी हर्बल टी। अच्छा, वही ये तो खैर गुलाब का पौधा लगाया गया, लेकिन वो रेसबेरी पीछे चेरीज लगाई गई हैं। हाँ, ये पोमेग्रेनेट का अनार का दरख्त लगा हुआ। ये देखें ना, अभी तो ये सिर्फ एक मुल्क में हम एंटर हुए हैं, वहाँ देखने की इतनी चीज़ें हैं कि आपके आधा घंटा एक मुल्क में लग जाए आसानी से। ये सब चाय की गाइड टू ट्री कॉइन। अच्छा, जैस्मिन ग्रीन टी है, वो जो होती है मोतिया। अच्छा, वो अरेबियन जैस्मिन लगाई गई। पोमेग्रेनेट रेसबेरी एंड स्ट्रॉबेरी ग्रीन टी। अच्छा यार, ये तो मुझे भी नहीं पता था कि इनकी इतनी अच्छी ग्रीन टीज हैं। ये किसी इंग्लिश गार्डन का रेप्लिका बनाया गया है। ये मैं आपको पूरा, इस परली साइड में भी दुकानें हैं अंदर। अच्छा, अभी जब मैं एंटर हुए हैं तो आपने देखा होगा मिकी मिनी जो है पौधों से बने हुए। तो ये डिज्नी की एक टेक्निक है, मतलब बाहर से ली होगी, टोपियरी गार्डनिंग। उसमें ही होता है कि ये दरमियान में अगर आप देखें सलाखों से उसकी डिज़ाइन बना के उसके ऊपर बेल चढ़ा दी गई। फिर बेल की इतनी अच्छी कटिंग की जाती है कुछ अरसे में, आप वो देखें ऊपर हाथी पूरा बना हुआ है। और इसी तरह इन्होंने मिकी मिनी बहुत सारी चीज़ें इस पार्क में बनाई हुई है। गो अहेड। हाँ, सो व्हाट इज दिस बिल्डिंग रेप्लिकेट फॉर? दिस लाइक सम काइंड ऑफ अ रेप्लिका ऑफ अ बिल्डिंग इन इंग्लैंड? दिस वन आई थिंक आई डोंट रियली रिमेंबर ओके, बट आई सम द अदर वंस गो। हां, नहीं, ये तो बहुत छोटा सा टूर है इंग्लैंड का, अभी तो मैंने पूरी दुकानें नहीं देखी हैं इनकी। वाह वाह, देखें ये इन्होंने विनी द पू बनाया उसी प्लांट्स को ग्रो करके। और वो एक और कैरेक्टर बना हुआ, वो पीछे वो रू और वो पिगलेट बने हुए हैं, मतलब कितना मेहनत से काम किया गया। गाजरें तो लोहे की हैं, लेकिन बाकी देखो कैसे उसकी कटिंग करके उसको चढ़ाई गई है बेलों को।
पीछे इंग्लैंड के फोन भी लगे हुए हैं। ये टिगर है, टिगर वो जो कार्टून्स में आता है, देखो उसकी पेट के लिए अलग बेल है, बाजुओं पे अलग, दो किस्म की बेलें हैं उनको कलर देने के लिए। बड़ी मेहनत का काम है ये। चलो अब यूँ करते हैं, फ्रांस चलते हैं। अगर आपने यहाँ खाना खाना हो खाना खा सकते हैं, तो शॉपिंग करनी कर सकते हैं, इंग्लैंड की शॉपिंग। अब हम फ्रांस चलते हैं। ये इन्होंने फेरी गार्डन बनाया हुआ है जी, वो टिंकर बेल का गार्डन बनाया हुआ है छोटा सा। वो पीछे देखें अगर आपको फ्रांस नज़र आ रहा हो तो ये, अगर आप देखें हम इंग्लैंड से आए हैं और वो मैक्सिको है, वो नॉर्वे है, वो जर्मनी है, वो अमेरिका है, ये जापान है और ये पीछे फ्रांस है। चलो अब जल्दी जल्दी फिरते हैं इससे पहले कि रात हो जाए। यहाँ जो लाइटें बना के लगाई गई हैं वो भी बहुत खूबसूरत हैं, बिल्कुल यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं उनकी ना नकल की गई है। ये फ्रांस बनाया गया है और शांज़ेलीज़े की उनकी जो मेन सड़क है वो बनाएगी फ्रंट पे। ये इनका सामने रेस्टोरेंट है, फ्रेंच रेस्टोरेंट, पीछे दुकानें हैं और यहाँ पे एक फ्रेंच फिल्म लगती है। फ्रेंच म्यूजिक ही चल रहा होगा यहाँ पे। ये फ्रेंच पेस्ट्री की दुकान है। ये देखो जी, यहाँ ब्यूटी एंड द बीस की टेपेस्ट्रीज बनाई गई है, इसको देखते हैं। उसके करीब चलते हैं यहाँ। ये देखें, ये रेस्टोरेंट है, लोग खाना खा रहे हैं और ये आ गई ब्यूटी एंड द बीस्ट। देखिए उसका कितना खूबसूरत तरीके से फ्रॉक बनाया गया है, अलहदा बेल से, और ऊपर शर्ट के लिए अलहदा बेल है, इसकी पैंट अलहदा बेल से है और बाकी बेलें अलहदा हैं जैकेट्स के लिए। तो ये सारा फ्रांस है। ये मैं पहले भी हल्का सा आप लोगों को दिखा चुका हूँ, यहाँ पे फ्रांस का शो होता है, इस वक्त ब्यूटी एंड द बीस्ट का शो हो रहा है। यहाँ पे फ्रेंच पेस्ट्रीज और फ्रेंच दुकानें हैं।